भाईजान मियांवाली जाना है, जाओगे? बैठो। कितना किराया हो गया भाईजान? 2000 किराया हो गया आपका। मेरी घड़ी कहाँ गई? और मेरी जैकेट कहाँ गई? उसमें तो बहुत सारे पैसे थे, मैं कहाँ भूल आया? मुझे याद नहीं आ रहा। वो तो मैंने मस्जिद में रखी थी, कहीं कोई मेरी घड़ी और पैसे उठा ना ले। अब क्या करूँ? Oh, no. मेरे पास तो वापस जाने के लिए किराया भी नहीं है। वापस कैसे जाऊँ? किसी मोहल्ले वाले से पता करता हूँ कि कोई वहाँ जा रहा है तो उसके साथ चला जाऊँ। भाईजान आपने बखर जाना है? आज तो नहीं जाना, 3 दिन बाद जाऊंगा, क्यों खैर तो है? भाई बहुत इमरजेंसी है, 3 दिन बाद मुझे लाजमी साथ ले जाना। ठीक है। 3 दिन बाद पहले मोहल्ले वालों से जाके पता करूं या मस्जिद में देखूं? मस्जिद में जाके देखता हूं। ये तो वैसे के वैसे पड़े हैं जैसे मैं रख के गया था। मोहल्ले वाले तो बहुत ईमानदार हैं, किसी ने 1 रुपया भी नहीं उठाया। अभी जाके मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेजिंग। चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। खैर तो है, क्या हो गया? 3 दिन पहले मैं आपकी मस्जिद में बहुत सारे पैसे और अपना कीमती सामान भूल गया था। अब वापस आया हूँ तो सारा सामान वैसे के वैसा पड़ा है, 1 रुपया किसी ने नहीं उठाया। आप तो बहुत ईमानदार बंदे हो। पैसे? हाँ, हम मोहल्ले वाले सब नेक और ईमानदार लोग हैं, किसी का एक रुपया नहीं खाते हम। जी चौधरी साहब, ये तो पता चल गया आप कितने नेक और ईमानदार हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे। ये ले बाबा, पूरा 500 रुपया। आज मैं आपके मोहल्ले वालों से बहुत खुश हूँ। वो कैसे बेटा? बाबा आपके मोहल्ले वाले बड़े ईमानदार लोग हैं, 3 दिन तक मेरे पैसे मस्जिद में पड़े रहे, किसी ने 1 रुपया नहीं उठाया। बेटा ये खुशी की नहीं, अफसोस की बात है। वो क्यों बाबा? बेटा तुम 3 दिन की बात कर रहे हो, काफी अरसा हो गया मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता और तुम उनको ईमानदार समझ रहे हो।